Hey guys, I'm Shraddha and welcome in my channel and ye hai mera baby Adyan. Say hi. Hi. To aaj jo video hai wo inhi ke saath ka hai. Actually kal ye 15 July ko second inka 2 saal pura ho ja raha hai, to kal hum iska second birthday celebrate karne wale hain. तो मैं सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग टाइप का बना के आपके साथ अपनी जो एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है, वो शेयर करें, क्योंकि आजकल बाहर बहुत टेंशन का माहौल है. तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन, अगर खुशी हम किसी के साथ बैठ सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है. तो मैं अपने बेटे का आद्यान का सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ. तो आज ज्यादा कुछ खास नहीं है. आज हम जस्ट इनका रूम थोड़ा सा डेकोरेट करने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी. एंड बाकी मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ अपने बेटे के बर्थडे के लिए. एंड इनकी नानी आ रही, मामा आ रहे, कल ज्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया है और हमारी खुद की पूरी फैमिली रहेगी. तो बस आज का देखते हैं कि क्या मैं डेकोरेट करने वाली हूँ. कुछ अभी तक सोचा तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं करूंगी जरूर. और उसके बाद फिर देखते हैं कि कल क्या क्या होता है. तो गाइज, अगर आपको मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन ही पसंद आया हो तो प्लीज जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोविड में बहुत ज्यादा तो कुछ हम कर नहीं सकते, बट जो भी सिंपल तरीके से बहुत अच्छा कर सकते हैं वो कोशिश मैं अपना 100% जरूर करूंगी. तो चलिए फिर पहले तो देखते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं इनका रूम की कैसा है. जो भी मेरे पास है लास्ट ईयर का आइटम पड़ा हुआ था, कुछ बलून्स वगैरह, रिबन्स वगैरह, हैप्पी बर्थडे का वो बैनर वगैरह, तो उसी से मैं डेकोरेट करने की कोशिश करूंगी बेटर. आद्यान, कम हिया बेबी, वन टाइम और आप बोल दीजिए हाय. हाय नहीं कहा ना आपने, हाय बोलो. हाय 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 बोलो. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. तो प्लीज, इतने प्यारे बच्चे ने रिक्वेस्ट की है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का, तो कर जरूर दीजिएगा. चलिए फिर देखते हैं. तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन करने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं डेकोरेट करूँ. तो तो ये देखिए, मस्ती मजाक करते हुए हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं. तो जो अभी मैंने डेकोरेशन किया वो ये निकल के आया है. तो इस तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट किया. बट और ये बाकी सारे जो टॉयज थे वो इधर इस साइड में अरेंज कर दिए हैं आद्यान के रूम में. तो ये सब डेकोरेशन था. बट डेकोरेशन में एंड में चेंजिंग हो गई, कुछ चीज़ें और बढ़ गई हैं, वो बाद में दिखाऊंगी. तो फाइनली मेरा जो एंट्री है वो किचन में हो चुका है. एंड फर्स्ट, क्योंकि डैडी को कोर्ट जाना है, तो मैं यहाँ पे भिंडी की सब्जी पहले बना रही हूँ. और भिंडी की सब्जी बन रही है, छोला बनने की तैयारी हो रही है. और यहाँ पे आज कचौड़ी एंड पनीर एंड पूरी, पुलाव, बाकी चीजें बनेंगी. तो फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग इससे की है. तो चलिए फिर देखते हैं फटाफट से, धीरे धीरे करके एक आइटम बनाना शुरू करते हैं. और कैसा बनेगा वो तो मैं आपको फाइनल जो भी चर्चा करके इसको फिर आपको दिखाऊंगी. तो रिव्यू जरूर करिएगा कि कैसा लगा मेरा कुकिंग का बाकी सारा अरेंजमेंट. एंड डेकोरेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है और उसको आज दोपहर में फाइनल टचअप देना. देखते हैं खुद का क्रिएटिव माइंड क्या कमाल करता है. तो चलिए फिर मैं फटाफट से बनाना स्टार्ट करती हूँ, बना लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं डेकोरेशन के लिए. छोला बनने की तैयारी है, पूरी के लिए आटा लग के तैयार है और ये कचौड़ी के लिए जो आलू की स्टफिंग है वो भी रेडी हो चुकी है. तो एक बार दिखा दो कि काफी अच्छा चटपटा बनाया मैंने, बाकी खाने के बाद बताना. ठीक है, तो हो गया है, बस अब कैंडी को होल्ड टाइम है, तो पहले पूरी बन जाए और उसके बाद और पनीर रह गई है और दही बड़ा रह गया है बनाने को. तो ये सारी तैयारी है, जब फाइनली सब कुछ बन जाएगा तब दिखाया जाएगा. फाइनली सब बन जाएगा तो एक अच्छे से तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि जो देखे वो सोचे कि चल के खा ही आए. तो आज बहुत मेहनत पड़ रहा है आपको. मेरी आदत हो गई है. चलिए बढ़िया है, मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, मुझे कितना रेस्ट मिल रहा है. अभी बर्थडे बॉय तो सो रहे हैं बाबू. बर्थडे बॉय सो रहे हैं, बर्थडे का वीडियो बना रही है. चलिए फिर आगे आप लोग से मिलते हैं. तो ये देखिए, पूरी छन रही है, कुछ छन चुकी है, बाकी हम कर रहे हैं.
और इसके बाद अब बाकी की तैयारियाँ होंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूड़ी बना के रेडी कर ली है और इसके बाद मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी, आलू की कचौड़ी। तो वो भी ओवरऑल मेरा जो भी खाना है वो मस्ती मजाक करते हुए एंड संजना की हेल्प लेते हुए सब कंप्लीट हो गया है। और अब हम अगेन डेकोरेशन पे जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि आद्यान के मामा एंड नानी आए हुए थे, तो विकास को जल्दी जाना था कुछ काम से, तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक केक का अरेंजमेंट किया। एक्चुअली विकास खुद लेकर आए थे और डेकोरेशन में भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी। एंड टाइम पे हम लोगों की प्लान थोड़ी डेकोरेशन को लेके चेंज हो गई है, तो अभी यहाँ पे कुछ नई चीज़ें अरेंज हो गई हैं मार्केट से, तो वो हम चेंजेस कर रहे हैं। होप्स उससे ज़्यादा बेटर ही लगे। तो ये फाइनल लुक है चेंजेस के बाद, अब ये हो गया है क्योंकि आद्यान का सेकंड बर्थडे है एंड आज संजना यानी मेरी देवरानी का भी सेम डे पर बर्थडे है, तो उनका भी आफ्टर मैरिज सेकंड बर्थडे है उनके ससुराल में, तो ये टू नंबर है। एंड विकास जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए टेबल को डेकोरेट कर रहे हैं। एंड ये है आद्यान का केक जो फर्स्ट केक है, एंड इसके बाद एक अगेन दूसरा केक भी आया, उनके चाचू लेकर आए हैं, जो हम उसको रात में कट करेंगे क्योंकि विकास को थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी जाने की, इस वजह से हम लोग अभी ये केक कट कर रहे हैं साथ में। तो चलिए विकास से मिलते हैं। ये जो अभी रिंग्स है इसको मैंने ऐसे कर्व करके आप ऐसे डाला, ऐसे ये डिजाइन बन जाए। अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम दिया सारी स्मार्ट पे है। भाई आप लोग भी इनके चैनल पे विजिट करिए और देखिए, भैया बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल। हाँ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कर दो बाबू, कर दो बाबू, इधर ये तो अभी केक कटिंग हो चुकी है एंड यहाँ पे सब लोगों को केक खिलाया जा रहा है, थोड़ी बहुत पोजेस दी जा रही हैं फॉर फोटोज़, और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा केक खाने का तरीका देखिए, एक्चुअली वो जो चॉकलेट कर्ल्स होते हैं वो थे बट वो मेल्ट हो रहा था, तो उसको मैं खा रही हूँ। और हम लोगों ने केक खाया, केक बहुत यमी है, चॉकलेट केक है, कमाल का केक है। तो मेरी मम्मी हमेशा बहुत इंजॉय करने में तेज़ रहती, तो उनको देखिए। तो ये सब हम लोगों ने इन्जॉय किया, काफ़ी केक कट किया इन्जॉय करते हुए, कुकिंग की इन्जॉय करते हुए, डेकोरेशन किया। अब आगे देखते हैं पूरी रात होते होते हम लोग क्या क्या इन्जॉय करते हैं। ये देखिए तो इसके बाद अब हम लोग तैयार होके आ गए हैं नेक्स्ट केक कटिंग के लिए रात के टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कट करिए ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हैप्पी बर्थडे दद्दा अलग अपना पोज मार और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत मजाक किए। इनकी चाची जो है वो स्पार्कल कैंडल, आपने देखा ये बहुत रिस्की होता है ये सब चीज़ें, तो जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करें। अब हम लोग भी नेक्स्ट टाइम से अवॉइड ही करने वाले हैं इस ब्लास्ट के बाद। तो ये देखिए आद्यान बर्थडे कैप पहन के इंजॉय कर रहे हैं। दोबारा आप लोग ये ना खरीदें, ये तक भी सकता है।
बाबू हटा लीजिए भाई हटा लीजिए। ये माता श्री खाना भी चालू कर दी और पकड़े गए कैमरे में। तो ये जो है वो गिफ्ट्स हैं जो इनकी नानी एंड बाकी फैमिलीज की तरफ से आद्यान एंड संजना को मिली है। तो ये आद्यान की टॉयज हैं, डॉक्टर सेट है एंड पियानो सेट है एंड कुछ कपड़े वगैरह बाकी चीज़ें जो आद्यान को मिले हैं इनकी नानी की तरफ से। इनके चाचू ने इन्हें हाउस टेंट गिफ्ट किया है एंड ये संजना का गिफ्ट है जो फोटो फ्रेम एंड बाकी चीज़ें मैंने एक पर्स गिफ्ट किया है बहुत अच्छा सा पार्टी वेयर। तो ये सारी चीजें गिफ्टिंग की हैं एंड अब मैं केक खिला रही हूँ। मेरे में कम नहीं आना चाहिए, जरा जुरी सा मैं नहीं खाऊंगा। संजू को खिलाई, संजू को खिलाई, संजू को खिलाई, संजू को खिलाई। हम भाभी घास से ना खेगा, वो लगाने लगेंगी ना। नहीं अब तो याद दिलाई दिया, अब तो नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सब कुछ करने के बाद, सब एंजॉय करने के बाद अगर डांस नहीं होता है तब तो पार्टी आपकी इनकम्प्लीट ही है, चाहे पार्टी फैमिली पार्टी क्यों ना हो। तो अब हम लोग पूरी फैमिली एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही मस्ती भरा डांस करके। और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको लग रहा है तो फर्स्ट टाइम ये इतने ज़्यादा थोड़ा सा रोमांटिक थोड़ा सा मजाकिया हुए हैं, तो डांस कर रहे हैं ये मेरे साथ। एंड हम लोग एक्चुअली थोड़ा प्रिपेयर करना चाह रहे थे एक एंगेजमेंट के लिए, बट अभी इनका मूड नहीं है कि हमारा डांस प्रिपेयर होने दें, तो हम लोग ऐसे ही डांस कर रहे हैं। आद्यान भी बहुत इन्जॉय कर रहा है, सभी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। एंड ये है संजना, ये जो अपना डांस प्रिपेयर करते हुए परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छा डांस कर रही हैं। तो ये सब मस्ती मजाक करते हुए डांस वगैरह करते हुए बहुत मज़ा आया हम लोगों को, होप सो आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा हूँ। एंड फाइनली ये जो मैंने कुकिंग की थी उसका रिजल्ट है, ये हमारा डिनर है जिसमें मेरा है पूड़ी कचौड़ी। एक्चुअली कचौड़ियाँ ख़त्म हो गई, इन लोगों ने खा के ख़त्म कर दी पहले ही, भिंडी की सब्ज़ी एंड दही बड़े छोले पनीर। और इसके बाद हम सब ने डिनर एंजॉय करने के बाद थोड़े से फोटो वोटोज़ वगैरह लिए और बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती किया। होप सो आपको भी पसंद आई हो गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।